वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार की धोखेबाजी आज फिर उजागर हो गई। सुबह से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं, पर मनमाने ढंग से 30 लाख सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन को कमजोर कर मोदी सरकार ने देश के सेवा करने वाले सैनिकों को धोखा दिया है। कपटी मोदी सरकार का देश की आंख में धूल झोंकने वाला ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकार ने 26 फरवरी 2014 को इस आदेश से पूरे देश में 30 लाख सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की थी, पर मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे खत्म कर दिया।